और गहरा सांस लो, रोको, वैसे ही शुद्ध हवामान है। फिर धीरे धीरे छोड़ना, फिर लेना। और ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के वैदिक मंत्रों को सुनो, कितना शांति और तसल्ली आपको मिलेगी। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम नमः हिरण्यबाहवे अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। रुकगुं सत्यं परं ब्रह्म कृष्ण पिंगलं ऊर्ध्वं रेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। मा प्रगाम पथो वयम् मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः मान्तः स्थूर्नो अरातयः। त्वं हि नो पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथाते सुम्ननिमहे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतं गमय। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनः नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। हम चैतन्य परमात्मा की उपासना करते हैं। हम सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण है। हम ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, गुरुदेव का अपने हृदय में ध्यान ऐसा करते हैं कि हमारे अंतःकरण में ज्ञान, प्रेम, आनंद रूप से प्रकट हो। आप प्राणायाम चालू रखना, बहुत फायदा होगा। सुनते जाओ, प्राणायाम भी करते जाओ। 5-7 भी करोगे ना तो ये जो धूप हो रहा है ना, इसके अंदर बहुत कीमती चीजें डाली हुई है। जौ, अगर, तगर, तिल, गुगल आदि जड़ी बूटियां डाली हुई है। ये सामान्य धुआं नहीं है। इसका जो आप सांस लोगे ना, तो आपके फेफड़े में भी कीटाणु मरते हैं। अन्न नली, श्वास नली के दोष इससे मिटते हैं। और जितना सांस रोकोगे उतना आपकी आयुष्य भी बढ़ेगी, आपकी जीवनी शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। प्राणायाम सिखाने के विदेशों में 1 घंटे के 4,500 रुपए होते हैं। आपसे तो 4,500 रुपए भी नहीं लिया जा रहा है। न जाने कहां कहां से औषधियां इकट्ठी करके
हवन सामग्री बनती है, तो आप इसका फायदा लो, सांस लो, रोको इसको, ऐसे ही मत जाने दो। देखो धुआं ऐसे ही जा रहा है आपके लिए, ये धूप किया जा रहा है, और आप लाभ नहीं लोगे तो फिर ये बेकार चला जाएगा, तो इसका आप सदुपयोग करो खूब। हाँ, गहरा सांस लो, रोको, धीरे धीरे छोड़ो। अनुलोम विलोम भी कर सकते, बाएं से लो रोको, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो रोको, बाएं से छोड़ो, धीरे धीरे लो रोको, धीरे धीरे छोड़ो। जबरदस्ती से ज्यादा मत रोको, जितना रोक सको रोको, और अगर रोकना पसंद नहीं हो तो कम से कम खूब गहरे गहरे सांस लेके छोड़ो, ये भी अच्छा है। लिया, छोड़ा, फिर गहरा लिया, खूब गहरा लिया, एकदम नाभि तक चला गया, फिर छोड़ा। ऐसे गहरा लेना, गहरा छोड़ना, फिर बाहर छोड़ के बाहर ही रोकना। भगवत गीता के महात्म्य में भी प्राणायाम की महिमा का वर्णन है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। जो गीता का पाठ करता है, अध्ययन करता है, और प्राणायाम परायण है, उसको पाप कैसे छुएगा? जंगल में आग लगे और हाथी तालाब में खड़ा हो जाए तो आग क्या बिगाड़ेगी? ऐसे ही दुनिया के दुखों से तन और मन घिर जाए और तुम प्राणायाम करोगे तो मन शांत हो जाएगा, प्राणायाम करोगे तो शरीर के दुख मिटेंगे। बहुत महिमा उपनिषदों में भी। बड़े अच्छे लग रहे हो आप, कितना शांति से सुन रहे हो। शहर वाले लोग इतनी शांति से नहीं सुन सकते, इसलिए मेरे को तो गांव वाले बहुत पसंद आते हैं कि उनके भीतर शांति है, आध्यात्मिकता। और इसलिए भगवान भी जब जन्म लेते हैं तो गांवों में लेते हैं, गांव भगवान को भी पसंद है। हाँ? राम जी ने और कृष्ण ने हस्तिनापुर में जन्म क्यों नहीं लिया? चेन्नई और बेंगलोर और कलकत्ता और दिल्ली में भी तो पैदा हो सकते थे, गोकुल में क्यों पैदा हो गए? मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में, और फिर जीवन का अंतिम समय निकाला द्वारका में, उस समय दिल्ली भी तो था, दिल्ली नहीं रहे। जहाँ भाव है वहाँ भगवान का झुकाव है, और जहाँ भाव नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है। वहाँ दुनिया भर का सब कुछ है लेकिन जीवन रस में नहीं हुआ। वे लोग नादान है जो गांव छोड़ के शहर में बसने की सोचते। शहर में रहने वालों को जितनी बीमारी होती है गांव में रहने वाले को नहीं होती, क्योंकि गांव में रहने वाले प्रकृति के नजदीक होते हैं, खेतों के, सूर्य की किरणों के, शुद्ध हवाओं के, शुद्ध जल के ज्यादा पास है। इसलिए शहर में रहने वाले भले अमीर हों लेकिन उनकी अमीरी को मैं इतना स्वीकार नहीं करता। गांव में रहने वाले श्रद्धा के और भक्ति के और स्वास्थ्य के अमीर मैंने कई देखे, इसलिए हम गांवों में सत्संग देना पसंद करते हैं। Thank you.